सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद ज़फर फारूक, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का स्टार्ट करेंगे। इधर वो फिर वो कहता है इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो आपका पहला क्वेश्चन है, -2x ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और ये dx। तो आप क्या करेंगे, फोर माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे वैल्यू क्या है, पावर 1/2, ऊपर जाके -1/2, और ये -2x और ये dx। अगर हम अंदर वाली चीज का बार डेरिवेटिव देखें तो 4 का 0 माइनस और एक्स स्क्वायर का 2x -2x वो मौजूद है, तो यहाँ पावर रूल आपका लग जाएगा जो है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। हम -2x को कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx आपका, और ये अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे 4 माइनस के -1/2 + 1 - 1/2 + 1 + c इंटीग्रेशन का 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 1/2 और यहाँ भी 1/2 प्लस सी, और इसको आप लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 जो कि अंडर रूट, और ये 2 प्लस सी, और यही आपका जवाब है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 इसका अटेम्प्ट करेंगे। इंशाल्लाह आपको सारे इसके क्वेश्चंस अटेम्प्टेड मिलेंगे, पर हमारी तरतीब कुछ अलग होगी ताकि आपके लिए इजी पहले हम करा दें, और बाद में फिर एक जैसे सारे जितने भी होंगे वो साथ साथ होते रहेंगे, इसमें आपके लिए आसानी होगी। सो पार्ट क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड स्क्वायर एक्स और टेंजेंट एक्स, इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर एक्स और टेंजेंट एक्स का अंडर रूट। अब आप इसी इंटीग्रल को, नीचे टेंजेंट एक्स की पावर 1/2 है, ऊपर जाके टेंजेंट एक्स की पावर -1/2 हो जाएगी, और बाहर सेकंड स्क्वायर एक्स और ये dx। अब आप देखें तो टेंजेंट एक्स की पावर -1/2 और d ओवर dx सेकंड स्क्वायर को मैं कह सकता हूँ कि ये टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव है, बिल्कुल कह सकता हूँ, और ये dx। तो यहाँ पर पावर के अंदर हम चीज का बार डेरिवेटिव, टेंजेंट एक्स का बार डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम पावर रूल लगा देंगे यहाँ पर। सो टेंजेंट एक्स की पावर -1/2 + 1 - 1/2 + 1 और ये प्लस सी, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टेंजेंट एक्स की पावर 1/2 + c, और इधर नीचे भी ये 1/2, ये 2 नीचे डिवाइड और ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, 2 इंटू टेंजेंट एक्स अंडर रूट प्लस सी। तो स्टूडेंट इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 6 अटेम्प्ट करेंगे। एक्स प्लस बी और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2bx + c, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx + c और होल की पावर 1/2, यहाँ आपका ये dx है, ये इंटीग्रल का साइन। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो आप ऐसे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी, अब इसके बाद क्या होगा, अब ये 1/2 इसकी पावर नीचे ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx + c की पावर -1/2, और ये 2 इंटू एक्स प्लस, अच्छा इस 2x + b को मैं 2x + 2b लिख देता हूँ, और ये dx, ये 1/2, ये इंटीग्रल आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2bx ये प्लस सी, और इसकी पावर ये -1/2। अब देखें इस ये चीज जो है, क्या ये चीज इस चीज का डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, 2b ऐसे ही, और x का 1 और c का 0, ठीक है। तो आप इसे लिख दें डेरिवेटिव ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी की पावर या डी एक्स। अब एक चीज पावर के अंदर जो जो चीज है उसका बाहर डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो आप यहाँ पर पावर लगा सकते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी की पावर -1/2 प्लस वन, यहाँ भी -1/2 प्लस वन, और कौन इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद कॉन्स्टेंट सी। इसको थोड़ा सा इवेल्यूएट कर लें, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इसकी पावर 1/2 रह जाएगी, और यहाँ पर भी 1/2 ये प्लस सी, इसका आंसर आपका कोई 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी अंडर रूट 1/2 का मैं अंडर रूट लिख सकता हूँ प्लस सी, और यही आपका जवाब है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 16 अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखेंगे कि इंटीग्रल है कॉस एक्स नेचर लॉग ऑफ साइन एक्स ओवर साइन एक्स और ये डी एक्स। अब आप ऐसे करें नेचर लॉग ऑफ साइन एक्स को इधर ही लिख लें इस साइड पे, और इसको इधर लिख लें कॉस एक्स ओवर साइन एक्स और ये डी एक्स। स्टूडेंट्स और करें कि अब यहां पर पावर रूल लग सकते हैं आपके पास या नहीं, किस तरह? अगर मैं कहूं कि ये चीज कॉस एक्स ओवर साइन एक्स इस चीज का डेरिवेटिव है तो आप मान लेंगे, है ये आपको मानना। मैं आपको इसको करके दिखाता हूं, वाई इज इक्वल टू अगर नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स है आपके पास तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, नेचुरल के साथ जो चीज है वो डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर का फर्दर डेरिवेटिव साइन एक्स के डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं ना कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। और आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स के डेरिवेटिव कॉट एक्स भी होता है, तो ये कॉस एक्स ओवर साइन एक्स बेसिकली नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स के डेरिवेटिव है, और आप कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स इसकी पावर 1 और ये डेरिवेटिव है डी ओवर डी एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव ये है और ये डी एक्स। एक चीज पावर के अंदर जो है बाहर उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो उस पर पावर रूल लग सकता है आपका नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स और इसकी पावर 1+1 और ये 1+1 और ये प्लस सी, ये नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर ओवर 2+c और यही आपका जवाब है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलेंगे पार्ट नंबर 20 पर। पार्ट नंबर 20 कुछ इस तरह है, इंटीग्रल एक्स प्लस टू ओवर एक्स प्लस थ्री का अंडर रूट डी एक्स। स्टूडेंट्स पहले भी आपने देखा था एक जगह एक्स प्लस ए था एक्स माइनस ए था तो मैंने, और बाहर एक्स था मैंने एक्स प्लस भी ए प्लस भी किया था और माइनस भी किया था ताकि सेम टर्म्स बन जाए। सेम इज द प्रोसेस यहां पर कि मैं इस टर्म को एक्स प्लस टू को एक्स प्लस थ्री बनाऊंगा, यानी कि मैं अपने इंटीग्रल को अगर आपके तो इस तरह लिख सकता हूं इंटीग्रल एक्स प्लस थ्री और -1 ओवर एक्स प्लस थ्री की पावर 1/2 और ये डी एक्स। देखें अगर मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, अंडर रूट को मैंने 1/2 लिख दिया है और एक्स प्लस टू को मैंने एक्स प्लस थ्री -1 लिख दिया है, आप इसको एक टर्म कह लें और बाकी इसको एक कर लें, थ्री में से वन जाएगा तो टू ही रह जाएगा, तो मैं अब इसको एक्स प्लस थ्री को एक इंटीग्रल बना के लिख देता हूँ ओवर एक्स प्लस थ्री की पावर 1/2 और ये फिर -1 और यहाँ पे आपका डी एक्स और ये फिर एक्स प्लस थ्री की पावर
वन बाय टू और इसको डी एक्स कर दूंगा। ये बातें आपको कब याद रहेंगी कि हमने इस सवाल में क्या करना है। मैथ्स इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको पता होगा, याद रहेगा कि इस सवाल में मुझे क्या करना है। ट्रिक्स हैं कि सवाल को ना इस इन्हीं सवालों को ज़्यादा मुश्किल करके लंबा करके भी हल करना पड़ता है, पर आपके लिए कम स्ट्रेस में हो जाए यही आपके लिए ज़्यादा आसानी की बात होगी। इसमें से आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको याद रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हमने इसको एक्स प्लस टू को एक्स प्लस थ्री माइनस वन लिख दिया और आपके सामने दो इंटीग्रल्स बना दिए। अब ये वन बाई टू है, ऊपर वन है तो ये छोटी पावर है वन बाई टू, और वन बड़ी पावर है तो ये ऊपर जाएगा तो वन माइनस वन बाई टू हो जाएगा, ये माइनस वन बाई टू, तो वहाँ पे आपके पास एक्स प्लस थ्री की पावर वन बाई टू डी एक्स रह जाएगा। फिर माइनस और ये ऊपर जाके एक्स प्लस थ्री की पावर माइनस वन बाई टू और ये डी एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ क्या हुआ है, यहाँ वन था और ये वन बाई टू, दोनों बेसिस सेम थी, ये ऊपर जाके माइनस का वन बाई टू, वन माइनस वन बाई टू वन बाई टू रह जाता है, और ये वन बाई टू पॉजिटिव का था ऊपर जाके नेगेटिव का हो गया, पावर्स को हमने सॉल्व किया। अब एक्स प्लस थ्री का बार डेरिवेटिव वन होना चाहिए, वो है इधर भी एक्स प्लस थ्री का बार, तो यहाँ दोनों पर पावर लगा दें आप, एक्स प्लस थ्री की पावर वन बाई टू प्लस वन ओवर वन बाई टू प्लस वन माइनस एक्स प्लस थ्री की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन माइनस वन बाई टू प्लस वन, और ये प्लस आपका डेरिवेशन इंटीग्रेशन का होने पर कॉन्स्टेंट। सो एक्स प्लस थ्री विल बी थ्री बाई टू ओवर थ्री बाई टू माइनस एक्स प्लस थ्री विल बी वन बाई टू ओवर वन बाई टू प्लस सी। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, ये टू इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई, सो टू ओवर थ्री एक्स प्लस थ्री की पावर थ्री बाई टू और माइनस ये टू इधर डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई, टू एक्स प्लस थ्री की पावर वन बाई टू है जिसको मैं अंडर रूट लिख देता हूँ, और ये प्लस सी आपका इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद कॉन्स्टेंट, इट इज अ सी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम पार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री इसका अटेम्प्ट करेंगे। आपका इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर ओवर फोर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि अगर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में वेरिएबल इन्वॉल्व की पावर सेम हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर है, इधर भी एक्स का स्क्वायर है, सो इट्स मीन दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम इसको पहले प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर वन जर फोर, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल और ये माइनस फोर, तो आपका ये बन जाएगा वन माइनस फोर ओवर फोर प्लस एक्स स्क्वायर, वन माइनस फोर ओवर फोर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके इंटीग्रल की शक्ल कुछ इस तरह होगी, वन माइनस फोर ओवर फोर प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। इसके बाद आप इसको कर सकते हैं वन डॉट डी एक्स और फोर प्लस एक्स स्क्वायर, फोर बार ले लें और वन ओवर इसे एक्स का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर और डी सॉरी टू का स्क्वायर कर लें और डी एक्स। आपको पता है कि वहां पर तो हमारे पास वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स होता था और डेरिवेटिव होता था वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। बेसिकली एक ही जगह जो चीज होती थी वो आपको मिलती थी, ए आपकी ये चीज होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर कॉन्स्टेंट जो भी होगा। अब जब आपके पास टेंजेंट इनवर्स एक्स होता है तो उसका डेरिवेटिव
वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। हम आगे टेंजेंट के डेरिवेटिव की बात करेंगे। और जब इंटीग्रेशन होती है इसकी, मैं इसके बाद आपको अभी दोबारा समझाऊंगा, पर अभी आप ये देखें कि इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी इंटीग्रेशन वन डॉट डी सॉरी इसी सवाल के बाद हम इसकी इंटीग्रेशन की बात करेंगे। वन की इंटीग्रेशन एक्स माइनस फोर, अब ये वन ओवर टू यहां पर आ जाएगा, वन ओवर टू, और साथ टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय टू प्लस सी, आपका इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद इधर ये टू रह जाएगा, एक्स माइनस टू इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय टू प्लस सी, यही आपका जवाब है। अब मैं आपको जो लिखवा रहा हूं आप वो नोट कर लीजिएगा, बल्कि इस सवाल को लिख रहने दे। आप देखें कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो वन ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर डी एक्स, तो आप इसकी इंटीग्रेशन इस तरह करेंगे, वन ओवर ए टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। अब ए का स्केयर, यहां पर ए क्या है, टू, ए का स्केयर तो ए इज इक्वल टू टू, माइनस फोर तो वो था जो हमारे ऊपर से कॉन्स्टेंट आया था बाहर, तो वन ओवर ए लिखा मैंने वन ओवर टू को, और फिर मैंने टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये एक्स का स्केयर, यहां ये एक्स का स्केयर एक्स ही, एक्स एक्स ही है, तो एक्स ओवर टू, यानी कि एक्स ओवर ए, ए इज इक्वल टू टू था तो एक्स ओवर टू, एक्स माइनस फोर एज इट इज वन ओवर ए, ए की वैल्यू टू, कैंसिल करके यहाँ टू आ गया, फिर टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए, एक्स और ए की वैल्यू टू वो और प्लस सी, एक्स माइनस टू टेंजेंट एक्स बाय टू प्लस सी। इसके बाद हम बात करेंगे एक रूल की। आप लोगों को उम्मीद है किसके समझ आओगे, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर अगर हो इंटीग्रेशन करनी हो तो वन ओवर ए प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए, ये आपको याद रखना होगा, ये भी एक रूल है। अब आप एक रूल लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर कोई ऐसा फंक्शन है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि f जिसकी नीचे पावर वन हो और आगे उसका फर्दर डेरिवेटिव भी मौजूद हो, तो नीचे वाली टर्म के साथ नेचुरल लॉग लग जाता है, ये इसकी इंटीग्रेशन होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आगे पे इंटीग्रेशन है वन ओवर एक्स की, अब एक्स का डेरिवेटिव आगे फर्दर वन वो एज इट इज आप लिख सकते हैं, वन ओवर एक्स और ये वन और ये डी एक्स, नीचे वाली टर्म के साथ नेचुरल लॉग लगा दें, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, ये। अब इसके बाद हम पार्ट नंबर फाइव अटेम्प्ट करेंगे। आपका इंटीग्रल कुछ इस तरह का है, e की पावर x ओवर e की पावर x प्लस थ्री और dx। अब आप लिखेंगे इंटीग्रल e की पावर x ओवर e की पावर x प्लस थ्री, इसका आप वन ओवर लिख लें और यहां पर e की पावर x लिख लें, अब इसको आप दोबारा लिख लें e की पावर x प्लस थ्री। क्या मैं इस e की पावर x को कह सकता हूं कि नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव है,
अगर हम देखें e की पावर x प्लस थ्री, इस टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, x का आगे फर्दर वन, वो e की पावर x ही रहेगा, और प्लस थ्री थ्री का जीरो, तो e की पावर x ही होगा, तो वो मैं डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस थ्री, और इसकी आप पावर कह लें कि वन है, तो मैंने कहा अगर एक फंक्शन नीचे और उसकी पावर वन हो और आगे उसका फर्दर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम उस टर्म के साथ नीचे वाले टर्म के साथ नेचुरल लॉग लगा देते हैं, और यही इसकी इंटीग्रेशन होती है, नेचुरल लॉग ऑफ ई एक्स प्लस थ्री प्लस सी, ये आपका जवाब है। इसके बाद हम पार्ट नंबर फोर अटेम्प्ट करेंगे। वन ओवर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डीएक्स, आप इसी इंटीग्रल को दोबारा लिखें, वन ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और आगे आप लिखें वन ओवर एक्स, और ये डीएक्स, वन ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इसकी पावर वन, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन ओवर एक्स, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है, तो अब इसके साथ मैं दोबारा नेचुरल लॉग लगा देता हूँ, नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, और यही आपका जवाब है। अब इसके बाद पार्ट नंबर 15, कोज एक्स ओवर साइन एक्स नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, ये डी एक्स, आप इसको लिख लें वन ओवर नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स इसकी पावर वन, और ये कोज एक्स ओवर साइन एक्स, तो ये डी एक्स, वन ओवर नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स इसकी पावर वन। अब आप बताएं नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन ओवर साइन एक्स हो जाएगा, नेचुरल लॉग के साथ जो चीज है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और डिनोमिनेटर के अंदर जो चीज है उसका फर्दर आगे डेरिवेटिव साइन एक्स का कोज एक्स, यानी कि कोज एक्स ओवर साइन एक्स होता है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप मैं कह सकता हूँ कि ये डेरिवेटिव है कोज एक्स ओवर साइन एक्स नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स का, एक चीज नीचे मौजूद है जिसकी पावर वन है, डिनोमिनेटर में एक चीज है जिसकी पावर वन है और आगे उसका फर्दर डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम उसकी इंटीग्रेशन करने के लिए उस टर्म के साथ नेचुरल लॉग लगा देंगे, और यही आपका जवाब है, और आपकी इंटीग्रेशन हो गई। अब हम पार्ट नंबर 10 की तरफ चलेंगे। वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स, अब स्टूडेंट्स आप इसको लिख सकते हैं कि वन ओवर टेंजेंट इनवर्स एक्स नेट, और आगे इसको लिखते हैं वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, मैं कह सकता हूं कि वन ओवर टेंजेंट इनवर्स एक्स की पावर वन है, और आगे टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी मौजूद है वन ओवर वन प्लस एक्स का, हम इसको भी पिछले सवालों में डिस्कस करके आए हैं, तो जब इसकी पावर वन है और आगे इसका फर्दर डेरिवेटिव मौजूद है, मैं इसके साथ नेचुरल लॉग लगा सकता हूं, और यही इसका जवाब है। अब इसके बाद हम पार्ट नंबर 11 अटेम्प्ट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस एक्स अंडर रूट ओवर वन माइनस एक्स अंडर रूट, आप इसके डिनोमिनेटर वन प्लस एक्स अंडर रूट से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, इसमें इंटीग्रेशन वन प्लस एक्स अंडर रूट, यहाँ भी वन प्लस एक्स अंडर रूट कर दें, और नीचे वन माइनस एक्स अंडर रूट और वन प्लस एक्स अंडर रूट कर दें, क्योंकि वन प्लस अंडर रूट एक्स से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, और यहाँ भी ये डी एक्स और ये भी डी एक्स,
अब इसके बाद इसको इवेल्युएट करेंगे, ये स्केयर बन जाएगा 1 प्लस एक्स अंडर रूट का स्केयर 2 है, और ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स, और इधर ये इसके साथ डी एक्स। इसके बाद इंटीग्रल 1 प्लस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स स्केयर और अंडर रूट। अब आप इसको अलग अलग करके लिख देंगे के मैं मिटा रहा हूं ऊपर से, इंटीग्रल 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स, और ये फिर प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और ये डी एक्स। इसको मैंने अलग अलग करके दो इंटीग्रल्स में लिख दिया क्योंकि बीच में प्लस का साइन था। अब आप देखें कि ये टर्म जो है, आप जानते हैं कि वाई इज इक्वल टू, अगर साइन इनवर्स एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वाली टर्म जो हमारे पास है ये साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव है। तो ये आप इसे ऐसे लिखें कि इंटीग्रल और डी ओवर डी एक्स ये किसका है, साइन इनवर्स एक्स का, और ये फिर डी एक्स प्लस, अब आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर जाके पावर हो जाएगी माइनस का 1/2 और बार एक्स से, और ये साथ डी एक्स। ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं, आपके पास यहाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव क्या बाहर मौजूद है, 1 का 0 माइनस और एक्स का 2x नहीं है, -2x होना चाहिए। तो हम -2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और -2 से डिवाइड भी। सो ये -1/2 से मैंने डिवाइड कर दिया, इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, और यहाँ -2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये डी एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स आपके पास, और ये -1/2, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, और ये डी ओवर डी एक्स किसका है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, और या 60 dx। पावर के अंदर मौजूद चीज का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, तो यहाँ पावर भी लग जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स एक्स -1/2, इंटीग्रल खत्म हो जाएगा क्योंकि अब इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 + 1, -1/2 + 1, और इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद कॉन्स्टेंट प्लस सी। अब आपके पास ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स -1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, -1 माइनस 1/2 विल बी 1/2, और ये भी 1/2 रह जाएगा, ये इससे कैंसिल, और प्लस सी। अब यहाँ पे आपके पास हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स और 1 प्लस नहीं माइनस, साइन इनवर्स एक्स -1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और ये प्लस सी, और यही आपका जवाब है। सो स्टूडेंट्स, आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।